वहीं अकोला जिले में कांग्रेस प्रवक्ता कपिल धोखे ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि फरवरी महीने के बाद अकोला जिले को लावारिस छोड़कर अपने बेटे के चुनाव प्रचार में लगे अकोला के पालक मंत्री विखे पाटिल लापता हैं। उन्होंने कहा कि अकोला जिले को जब उनकी जरूरत है तब वह अकोला में मौजूद नहीं है। वही 26 फरवरी की रात को खराब मौसम और ओलावृष्टि के कारण चार तालुकों में 9152 हेक्टेयर कृषि फसल बर्बाद हो गई थी। इसके लिए जिला प्रशासन ने 22 मार्च को 21 करोड़ और 14 मई को शासन को 32 करोड़ का प्रस्ताव शासन को सौंपा था, इसलिए 54 करोड़ का प्रस्ताव शासन के पास पड़ा है। हालांकि बुआई खत्म हो चुकी है, लेकिन किसानों को ये मदद नहीं मिली है और पालक मंत्री भी किसानों तक ये मदद पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। अकोला जिले के पालक मंत्री डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल फरवरी महीने से जिले का दौरा उन्होंने किया नहीं। पालक मंत्री का काम रहता है कि जिला प्रशासन पे अपनी पकड़ मजबूत रहने के लिए वारंवार जिले में आना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों की शिकायत जानना चाहिए। अभी आप देखते हो तो जिले में फसल की प्रॉब्लम है, उसके बाद बारिश हो गई, बारिश के बाद किसानों को जो मदद मिलना चाहिए था वो मदद अभी तक मिली नहीं है। वो सब मामले, बैंकों का कर्जा किसानों को मिल नहीं रहा है, बीज किसानों को मिल नहीं रहा, बीजों में बहुत काफ़ी तादाद से भ्रष्टाचार शुरू है। इस समय भी पालक मंत्री आते नहीं तो पालक मंत्री कहाँ पे है, ये सवाल हमारा यहाँ पे है। पालक मंत्री गायब हो गए क्या, ऐसा सवाल हमारा है। राधाकृष्ण विखे पाटिल जिले में आते नहीं तो अपने पुत्र डॉक्टर सुजय विखे के प्रचार में नगर जिले में व्यस्त है। हमारी ये आज हमने एक पत्रकार परिषद लेके हमारी मांगनी है, हमारी एक मांगनी ऐसी है कि पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल जिले में आए, जिले का दौरा करे, लोगों की समस्याएं जान ले। नहीं होता होगा तो उन्होंने पालक मंत्री पद का इस्तीफा देना चाहिए। पालक मंत्री जिले को अनाथ कर रहे, ऐसा हमारा आरोप है।